हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते मास्टर जी, में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इट बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, वेरी इजी। ओके, सी, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो बाय फॉर्मूला मेथड। ओके, चलो मैं पहले फॉर्मेट देख लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले एबीसी की वैल्यूज लिख ली। ओके, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालता हूं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू माइनस नहीं आती है, ये वैल्यू माइनस नहीं आती है। अभी मैं फॉर्मूला लिखा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अभी हम फॉर्मूले में बी की वैल्यू डालेंगे, ध्यान रहे ये माइनस फॉर्मूले का है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू पुट अप करेंगे। ओके, लेट्स सी, एम आई राइट? ओके, एक बार प्लस एक बार माइनस। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, एम आई राइट? ओके, लॉ ऑफ एडिशन नंबर 3, वन नंबर पॉजिटिव वन नंबर नेगेटिव डिफरेंस बिगर नंबर साइन, बोथ नंबर नेगेटिव एडिशन नेगेटिव एंड आंसर इज -1 -1। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सी, पहले तो सब फॉर्मेट में है कि नहीं ये देख लीजिए। ए बी सी की वैल्यूज साइन के साथ लीजिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए ये वैल्यू माइनस नहीं आती है। फिर फॉर्मूला लिख लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए स्क्वायर रूट। ओके, अभी अभी जो आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकाली वो पुट अप कर दीजिए। अगर इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो निकाल लीजिए, नहीं निकलता है तो समझो यहां पे स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, आंसर तक वही चलेगा। एक बार प्लस एक बार माइनस एंड द आंसर इज -1 -5। डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला मेथड एकदम इजी, you try it, please convey all the students, your friends to subscribe Namaste Masterji and we will complete the chapters M1 M2 like that. Okay, thank you very much.